हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण ड्रेस क्रिएशन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम माधुरी दीक्षित की ड्रेस को रिक्रिएट करने वाले हैं। ये वाली ड्रेस को रिक्रिएट करेंगे हम। ये वाली ड्रेस माधुरी दीक्षित ने हम आपके हैं कौन मूवी में वेयर करी थी। सो इसी की हम आज कटिंग एंड स्टिचिंग डिटेल में बताएंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज, वी आर गोइंग टू डिज़ाइन दिस ड्रेस विथ नेट फैब्रिक। यहाँ पर मैंने 6 मीटर नेट फैब्रिक यूज़ किया है और 5 मीटर मैंने क्रेप फैब्रिक यूज़ किया है फॉर लाइनिंग। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके रखा है फैब्रिक को। यहाँ पर हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। विड्थ मैंने यहाँ पर 12 इंच रखी है और इसकी लेंथ मैंने 15 इंच रखी है। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैंने यहाँ 7 इंच पर मार्क किए हैं और आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंच रखा है। यहाँ पे मैंने 10 इंच पे रखा है। यहाँ पे गाइस मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखा है। उसके बाद हम आर्म होल पे मार्क करेंगे फ्रंट बैक दोनों। यहाँ पे गाइस आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क लगाना। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे, इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमने यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट रख लिया है फोल्ड करके। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क लगाया और लेंथ इसकी डीप है जो वो 6 इंच पे मार्क लगाई है। उसके बाद हम यहाँ पे 3.5 इंच पे लगाएंगे मार्क और यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। और यहाँ पे हम अपना फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसको भी कट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम अपना मेन फैब्रिक रखेंगे। मेन फैब्रिक भी मैंने वैसे ही कट किया था जैसे इस लाइनिंग के पार्ट को कट किया है। इसको ऊपर रख के हमने नेक वाली साइड से इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब हमने सेंटर वाला जो पार्ट है बीच में उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के कर्ट्स लगा देंगे जिससे कि अंदर की तरफ इजीली फोल्ड हो जाए। इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और अच्छे से फोल्ड करने के बाद इस पर हमने स्टिच लगा देने हैं। और ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को भी हमने स्टिच कर देना है मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को। यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया दोनों पार्ट को, फ्रंट और बैक दोनों नेक को। अब हमने शोल्डर से इसको स्टिच करना है और दोनों फिटिंग वाली साइड से भी इसको स्टिच कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब हमने यहाँ पे स्लीव के लिए मार्किंग करनी है। स्लीव के लिए भी मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रख दिया है। इसकी लेंथ मैंने 20 इंच रखी है। यहाँ पे आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ।
उसके बाद हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने जो हमारा फ्रंट है आगे वाली तरफ हमने यहाँ पे फ्रिल लगानी है। यहाँ पे हमने फ्रिल रेडी की है। यहाँ पे हमने फ्रिल रेडी कर ली है। अब हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर देना है। दोनों स्लीव हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने अपने आर्म होल के साथ इसको स्टिच कर देना है दोनों स्लीव को। यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है दोनों स्लीव को। अब हमने बॉटम पार्ट के लिए कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक को अच्छे से रख लिया है। यहाँ मैंने मेन फैब्रिक पे कटिंग की है। यहाँ पे मैंने इसको फोर फोल्ड करके रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। यहाँ मैंने 6 इंच पे मार्क लगाया है। हमने यहाँ पे राउंड शेप में 6 इंच पे मार्क करना है। नेक्स्ट हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ मैंने यहाँ पे 39 इंच रखी है। यहाँ पे जितना मेरा फैब्रिक था, जितनी मेरे फैब्रिक की लेंथ थी, मैंने वो सारी रख ली। यहाँ पे मैंने 39 इंच पे मार्क लगाया। सो गाइस, अगर आप भी इस ड्रेस को डिज़ाइन करना चाहते हो, ये फैब्रिक लेना चाहते हो, तो ये फैब्रिक मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। ये साड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में थी। ये 200 अराउंड इतनी ही थी। यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने जैसे मेन फैब्रिक कट किया था, वैसे ही हमने लाइनिंग भी कट करी है फोर फोल्ड करके। बस हमने उससे बस नीचे से इसकी जो लेंथ है वो 2 इंच कम रखी है। यहाँ मैंने दोनों को स्टिच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग फैब्रिक को। यहाँ हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब हमने टॉप पार्ट से इसको स्टिच करना है। फ्रंट और बैक दोनों को स्टिच करने के बाद अब हमने साइड्स को स्टिच करना है। दोनों साइड हमने इसको स्टिच कर देना है। और नीचे की तरफ आप इसको पीको भी करवा सकते हो। अगर आपने स्टिचिंग करनी है तो स्टिचिंग भी कर सकते हो। मैंने इसको फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर दिया था। नेक्स्ट स्टिच करने के बाद हमारी जो ये ड्रेस है वो बिल्कुल रेडी है। इसकी फाइनल लुक गाइस बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। आप इसको कहीं भी वेयर कर सकते हो, पार्टी, बर्थडे, कहीं भी इसको पहन के आप जा सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।